से भी आवाज आ रही कि एक कोई देश की बात हो जाए, एक देश की बात उधर से भी होगी और धुन बजाओगे, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। शुरुआत भी नहीं हुई है, उनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं, पीछे खड़े हैं, एक बार भैया के लिए तालियां हो जाएं। तालियां आपकी कमजोर पड़ेंगी तो हम भी गाना कमजोर कर देंगे, आपकी तालियां जिंदा रखती हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि इनके सीने में ना जाने हमारे सीने में क्या गम है, लेकिन उन गमों को दबा करके जब आपकी तालियां बजती हैं तो हम वो अपना दुख भूल जाते हैं और आपको अच्छा अच्छा सुनाने की कोशिश करते हैं। खुशी का है मौका, खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कराना। आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती रहती है, लेकिन 14 फरवरी 2018 को उतनी बड़ी घटना हुई, शायद इतनी बड़ी घटना उरी के बाद पहली घटना थी, उरी सेक्टर में हुई, उसके बाद में पुलवामा की पहली घटना थी। 44 जवानों की शहादत हुई। राजस्थान का रहने वाला चित्रेश, जिसकी 7 मार्च को शादी होने वाली थी, न बेटा घोड़ी पे चढ़ा, न बारात गई, न बहू की डोली आई, आई तो बेटे की खबर से पहले उसकी अर्थी आई, खबर पहले आई, बेटा की अर्थी बाद में आई। ऐसा ही एक बॉडी बिहार में पहुंची, उन फौजी भाई की केवल एक 7 साल की बेटी, 7-8 साल की, उन पर कोई बेटा नहीं था। और जब वो चित्र लगा हुआ वो ताबूत जब आया तो वो लड़की उठ करके अपनी माँ से पूछती है, मम्मी आज पापा कैसे आ रहे हैं, पापा तो हमेशा हंसते हुए आते थे, मेरे लिए खिलौने लाते थे, मेरा सबसे पहले हाल पूछते थे, लेकिन आज पापा को क्या हुआ। उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटी आज पापा बहुत गहरी नींद में सो गए, इन्हें सोने दे। लेकिन बेटी को तो समझा दिया, अपने आंसू नहीं रोक पाई। तब उसके सास और ससुर दोनों आए, सास ने बहू को कलेजे से लगा लिया, बेटी तू रो मत। क्यों मत रो, क्या खून की होली हो सीमा पे और तब ही यहां दिवाली मनती है,
तब ही याद वाली बनती है और तब ही याद वाली बनती है और बलिदान बदन पे होने को हम शेर शेर नहीं जानती। अरे बलिदान बदन पे होने को हम शेर शेर नहीं जानती। तू छत्री कुल की बेटी है, तू छत्री कुल की बेटी है, अपना धीरज नहीं खो सकती है, तू अपना धीरज नहीं खो सकती है, तू अपना धीरज नहीं खो सकती है। और तेरा पति शहीद हुआ सीमा पे, तू विधवा नहीं हो सकती है। तेरा पति शहीद हुआ सीमा पे, तू विधवा हो नहीं सकती है। तू विधवा नहीं है। और सास ने अपने आंसू रोक लिए, बहू के आंसू पोंच दिए और उसने कहा, सुन बेटा, अरे मत रो बे बिटिया तू, मत रो बे बिटिया तू, मत रो बे बिटिया तू, विधवा नहीं है। मत रो बे बिटिया तू, विधवा नहीं है। और तेरा पिया जग में नहीं, तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। मत रो बे बिटिया तू, विधवा नहीं है, तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। और ये 50 रुपया आदरणीय मंजू मेहमर साहब की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। देख बहू, ये तिरंगे की कीमत चुका के गया। मत रो बे बिटिया तू, मत रो बे बिटिया तू, ये विधवा नहीं है। तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है। तिरंगे की कीमत झुका के गया है। बहू बोली, मम्मी गलती मेरी थी। और ये आदरणीय रामकिशन फौजी साहब ढेंडोली वालों की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। अब मेरा गाना बिल्कुल, मुझे ये समझिए कि फौजी भाइयों की मोहर लग गई तो ये गाना मेरा सक्सेस हो गया। एक बार भैया ढेंडोली वालों के लिए तालियां बजा। और ये खामखा मंडल वाले 50 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 10 पे फिर आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। मम्मी गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। बोले तेरी बेटी क्या गलती है, ये तो लड़ने लड़ाने का जो वहां चलन है, देश की रक्षा का जो दायित्व हमारे बेटे ने, तुम्हारे पति ने लिया है, ये तो करना पड़ता है। उन्होंने कहा, मम्मी मेरी गलती ये है, जब वो विदा हो रहे थे तो मैंने उनसे एक ऐसी बात कही थी। और देखिए फौजी की पत्नी अपने पति से क्या कह सकती है। मोह मोड़ जा रहे हो, मुझे छोड़ जा रहे हो, अरे मोह मोड़ जा रहे हो, मुझे छोड़ जा रहे हो, मैं चेहरे से अपने बनूर पहुंच दूंगी,
शहर से अपने मैं नूर पहुंच दूंगी, शहर से अपने मैं नूर पहुंच दूंगी। और बच्चे जब आएंगे रो करके पूछेंगे, उन बच्चों के आंसू जरूर पहुंच दूंगी, उन बच्चों के आंसू जरूर पहुंच दूंगी, उन बच्चों के आंसू जरूर पहुंच दूंगी। 10 रुपया फिर हमारे खामखा मंडल की तरफ से आया, आदरणीय धन्यवाद। उन बच्चों के आंसू जरूर पहुंच दूंगी, और मन से बोल लूंगी, मैं व्रत खोल लूंगी, और फोटू से तुम्हारे में धूर पहुंच दूंगी, और फोटू से तुम्हारे में धूर पहुंच दूंगी। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर तुम फौजी हो तो मैं भी फौजी की पत्नी हूँ, और अगर फौजी की पत्नी की बात अच्छी लगे तो मैं बहनों की भी तालियां चाहूंगा। अरे फोटू से तुम्हारे में धूर पहुंच दूंगी, लेकिन ध्यान रखना, दुश्मन से डर गए तो मेरे जाने मर गए, दुश्मन से डर गए तो मेरे जाने मर गए, मैं मांग से अपनी सिंदूर पहुंच दूंगी। मत रो बिटिया तू, अरे विधवा नहीं है तेरा पिया जग में नहीं, थुका के गया है तिरंगे की कीमत चुका के गया है। और ससुर आया, उसने कहा कैसी बातें कर रही है तू, तेरा पति नहीं मर सकता क्यों, गर्भ से जिएगा बाप और निंदा सहेगा, गर्भ से जिएगा बाप न चिन्ना सहेगा और न निंदा सहेगा, और तेरा पिया हर दिल में जिंदा रहेगा, तेरा पिया हर दिल में जिंदा रहेगा, तेरा पिया हर दिल में जिंदा रहेगा। खुफिया जानकारी हमसे यही कह रही है, हाँ बेटी, खुफिया जानकारी हमसे यही कह रही है, दुश्मनों के सरे को वो झुका के गया है, खुफिया जानकारी हमसे यही कह रही है, दुश्मनों का सर वो झुका के गया है। और जनरल साहब आए, बोले बेटी, अरे तुझे तो नाज होना चाहिए, तू आंसू बहा रही है, तेरे पति का कर्तव्य सेना के बॉर मेमोरियल में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? और ये आदरणीय उस्ताद कुमार सिंह जी ब्रज कीर्तन मंडल के उस्ताद हैं अजीजपुर से, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, एक बार उस्ताद जी के लिए तालियां हो जाए। अरे तुझे तो नाज होना चाहिए, सोने के अक्षरों में तेरे पति का नाम लिखा जाएगा। लेकिन हमें अफसोस कि हमारी फौज का एक जाबाज सिपाही हमसे दूर हो गया, तेरे फौजी पति जिस समय सीमा पे खड़े होते तो दुश्मन की तो चलती क्या, पाकिस्तान की हवा भी हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके नहीं चलती। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद जगदीश शर्मा, जय इंडस्ट्रीज, अजीतपुर वालों की तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद आया है, एक बार तालियां इनके लिए फिर हो जाए। क्या करें, एक हमारी फौज का जाबान सिपाही हमसे दूर हो गया, वो पत्नी रो करके कहने लगी, बाबूजी आपने कितनी आसानी से कह दिया, क्या हमारी फौज का एक सिपाही हमसे दूर हो गया, मेरे कलेजे पे हाथ रख के देखिए मेरा क्या क्या चला गया, देखिए क्या क्या बता रही है। चेहरे का नूर गया, मांग का सिंदूर गया, और नन्नो निहालों की चोटियां चली गई, वो नन्नो निहालों की चोटियां चली गई, वो नन्नो निहालों की चोटियां चली गई,
और बाप की दवाई गई, देवर की पढ़ाई गई, आज धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई, धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई, धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि जवान शहीद हो गया, लेकिन पुलवामा की हालत देख करके बताइए, आज धोती कुर्ता टोपी और लंगोटियां चली गई। अरे छुपके आए गद्दार धोखे से किया बार, दूर दूर साजन की बोटियां चली गई, अरे दूर दूर साजन की बोटियां चली गई। अगर एक भी कसक आपके हृदय को छुए तो मैं भरपूर तालियां चाहूंगा। पत्नी कहती है, अरे छुपके आए गद्दार धोखे से किया बार, और दूर दूर साजन की बोटियां चली गई, दूर दूर साजन की बोटियां चली गई। आपको तो फौज का सिपाही एक चला गया, आज मेरे बाल बच्चों की रोटियां चली गई। अरे आपको तो फौज का सिपाही एक चला गया, पर मेरे बाल बच्चों की रोटियां चली गई। आदरणीय कुमार सिंह जी, ठाकुर साहब की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब कहा, ससुर आया, बोला बेटी तू कैसी बातें करती है, हम छत्रियों के जीवन में, और आपने देखा भी होगा, अगर मास्टरों की तनख्वाह में थोड़ी सी कमी आ जाए तो सड़क पे उतर आते हैं, इंजीनियर सड़क पे आ जाते हैं, रेलवे वाले सड़क पे आ जाते हैं, सफाई कर्मी सड़क पे आ जाते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी फौजी का परिवार सड़क पे आया हो कि हमारे बेटे की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई। और ये आलोक मेंबर साहब की तरफ से अनगिनत पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी हमें पहले ही शपथ ली जाती है कि हम देश की सेवा में हमारा तन भी चला जाए लेकिन हम कभी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और मुझे कैसा लग रहा है, देखिए बाप अपनी बहू से कह रहा है मुझे कैसा लग रहा है, अरे ईद ना दिवाली, ईद ना दिवाली और क्या उत्सव मना है, ईद ना दिवाली क्या उत्सव बना है, ईद ना दिवाली क्या उत्सव मना है। और ये राधा चरण प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान दौताना से हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं रामचंद्र जी को हार्दिक नमन करते हुए, अशोक भाई ईद ना दिवाली क्या उत्सव मना है, और बहू मुझे कैसा लग रहा है आज बताऊं, क्या उत्सव मना है और मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना है, मेरा बेटा हमारी बहन रोशनी की तरफ से। रोशनी बड़ी देर में हो गई लेकिन हमारी बहनों की तरफ से भी 20 रुपए का आशीर्वाद आया है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी चीज पूरी तरह हिट हो गई और मेरा गाना सार्थक, आपका सुनना सार्थक हो गया। एक बार बहनों के लिए तालियां और बजा दीजिए। ईद ना दिवाली क्या उत्सव मना है और मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना, अरे मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना है, मेरा बेटा फिर से आज दूल्हा बना है। अरे जहां देखता हूं बिटिया चर्चा वही है, जहां देखता हूं बेटी चर्चा वही है, अरे दुश्मनों की लंका को वो फुका के गया है, दुश्मनों की लंका को वो फुका के गया है। माँ बोली बेटी मेरी सुन, अरे देश का जुनून था वो भारत का खून था, पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा, वो पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा, पूरा करके अपना दस्तूर चला जाएगा।
और अपने जन्म धाम की इन बुजुर्गों के पाम की आखिरी लगा करके दूर चला जाएगा, आखिरी लगा करके दूर चला जाएगा, आखिरी लगा करके दूर चला जाएगा। लेकिन हमें ये खबर नहीं थी मेरी बेटी, प्राणों से प्यारा था आखिरी सहारा था, उन बूढ़ी आंखों का वो नूर चला जाएगा, उन बूढ़ी आंखों का वो नूर चला जाएगा, वो बूढ़ी आंखों का नूर चला जाएगा। और ये आदरणीय राजवीर जी पैगाम वालों की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया है, इन बूढ़ी आंखों का नूर चला जाएगा। और ये बहन राजकुमारी जी की तरफ से 20 रुपया और 20 रुपया अंकुर की तरफ से आए हैं। देखिए बहनों का बड़ा कलेजा होता है, वो रुपया खुद दे रही हैं लेकिन नाम अंकुर का, आदमी ना कर सकती है काम है। 50 रुपया की छाप अपन ही लगवावे, पत्नी की ना लगवावे। इन बुढ़ापे की आंखों का नूर चला जाएगा, और मुसीबत जबर थी, वो जो पुलवामा अटैक हुआ बेटी मुझे ये पता नहीं थी, खबर तो मैंने भी सुनी थी टीवी पे। अरे मुसीबत जबर थी मुझे क्या खबर थी, मेरी बहू की मांग का सिंदूर चला जाएगा, बहू की मांग का सिंदूर चला जाएगा। तब चाचा बहू रो करके आई, सास के गले लगी, मां तुमने समझाया मैं समझ गई, क्योंकि तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है मेरा बाद में है। असल में तो यह है कि आपके मन का पहले है और बाद में मेरे मन का है। सांवरिया राम उनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, और खाम खा रात भर हम तारीफ करते रहे कि साउंड बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्री में ही अनाउंसमेंट हो रहा है तो हमारे साउंड वालों की भी पेशकश कुछ ना कुछ होनी चाहिए, चाहे एक एक ही रुपया दो, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट कल से ही होगा और आपके साउंड की भी तारीफ होगी। लेकिन तारीफ मुझे इसलिए और करनी पड़ रही है, छोटा सा साउंड बनाते हैं उस पर लिखवाते हैं कोई मंजू कोई मुस्कान डीजे, लेकिन भैया का इतना बड़ा साउंड, लेकिन किसी को ये नाम पता नहीं है मेरे समझ में तो दोनों को कि ये साउंड का नाम क्या है। और ये रवि कुमार की तरफ से 10 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा तुमने समझा दिया मैं मान गई, मम्मी तुमने मुझे कलेजे से लगाया तो मुझे अपनी माँ का ही एहसास हुआ, लेकिन मैं कितना भी कर लूं लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं बन सकती। मैं बेटी तो बन सकती हूँ लेकिन बेटा नहीं बन सकती। तो देखिए सास और ससुर ने दोनों ने खड़े होकर के कहा, बेटी कैसी बातें कर रही है। और हर सास ससुर अगर अपनी बहू से इस तरह कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई भी बहू इस तरह का कदम नहीं उठाएगी जो आज देखने मिलते हैं। देखिए बाप कह रहा है कैसी बातें कर रही है। अरे ओढ़ के तिरंगा, और ये बाबूराम राम खिलाड़ी जी की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ओढ़ के तिरंगा लाल मेरा लेटा, और तैने कैसे कह दिया कि तू बेटी है बेटा नहीं बन सकती, मैं दावे से कहता हूं। और देखिए तालियां उसके लिए बजनी चाहिए जिस ससुर ने अपनी बहू से कहा, अरे ओढ़ के तिरंगा ये लाल मेरा लेटा, और आज से अरे तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरी बेटी है, तू ही मेरा बेटा। और छाप लगाते हुए मेरे गुरु साहूकार खड़े हैं तो उन्हीं की छाप उन्हीं का लिखा हुआ गीत, मेरे साहूकार ने जब जब हकीकत कही है, मेरे शर्मा ने जब जब हकीकत कही है,
अरे तब तब वह दुश्मन गर्दन ढुका के गया है, तब तब वो गर्दन दुश्मन झुका के गया है। और देख, अरे नहीं तेरा पिया जग में थुका के गया है, इस तिरंगे की कीमत चुका के गया है।